हैं कि शिव की महिमा परंपार है और आपका बेटा भी पार है। तो नमस्ते मेरे भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ आज के इंग्लिश पिटारा और मैं हूँ सियाज और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए आज की क्लास में देखेंगे वर्ड पावर। हाँ, वर्ड पावर का लेसन 3 है। वन पढ़ा दिए हैं, टू भी पढ़ा दिए हैं, आज लेसन 3 है। बिना वर्ड का दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप ग्रामर पढ़ लिए हैं और वर्ड मीनिंग नहीं मालूम है तो नहीं आपको न्यूज समझ में आएगा, नहीं मैच का इंग्लिश में कमेंट्री समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बढ़िया देखा जाए, देखिए एक वर्ड है एब्रप्ट। एब्रप्ट मीन्स क्या होता है? अचानक। क्या होता है? अचानक। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स बोले तो सेम वर्ड, सेम वर्ड, और एंटोनिम्स बोले तो अपोजिट वर्ड, उसका उल्टा। तो यहां पर लिखा हुआ है सिनोनिम्स। तो एब्रप्ट का सेम वर्ड होता है सडन, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, क्या क्या होगा? सडन और अनएक्सपेक्टेड। इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो हो जाएगा नोविंगली। ठीक है, ये इसका एंटो है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको बढ़िया स्कोपी में लिखेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। आगे देखा जाए, एक वर्ड है अटेन। अटेन बोले तो पाना, प्राप्त करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है? अचीव। ये आपको पहले से मालूम है, अचीव नहीं, गेट, ये भी मालूम है। तो नया वर्ड आपके लिए क्या आ गया? हो गया अटेन। तो अटेन बोले, अचीव बोलेंगे आप, गेट बोलेंगे, तीनों का मैंने क्या होता है? पाना। और इसका एंटो क्या होता है? लॉस्ट, खोना। नहीं, आगे देखा जाए, अगला है डीकम्पोज। कितना अच्छा वर्ड है डीकम्पोज। डीकम्पोज इसका मीनिंग क्या होता है? बर्बाद करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? डिके और करप्ट। ठीक है, बर्बाद करना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? इसका एंटो नहीं होता है। ठीक है, इसका एंटो नहीं। आगे देखा जाए, फोर में क्या बोल रहा है? डिक्री। डिक्री बोले तो कानून, डिक्री बोले तो कानून, और कानून का इसका सिनोनिम्स क्या होता है? जजमेंट और लॉ। ठीक है, जजमेंट और लॉ। और इसका एंटो क्या होता है? अपील। एंटो क्या होता है? अपील। आगे लिखा जाए, एक वर्ड है फाइव में है हॉटी। हॉटी बोले तो घमंडी। क्या होता है? घमंडी। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्राउड। क्या होगा? प्राउड। अगला क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट, अच्छा, प्राउड एरोगेंट, प्राउड एरोगेंट नहीं। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? जेनरस। ठीक है, आगे लिखा जाए, मोडिफाई। मोडिफाई मीन्स क्या होता है? सुधारना। क्या होता है? सुधारना, मॉडिफाई। तो इसका चेंज आपको मालूम है, सुधारना, चेंज पहले से मालूम है, इंप्रूव करना कहते हैं आप लोग के बाद में, इंप्रूव होना चाहिए इसमें नहीं। तो चेंज, इंप्रूव और मॉडिफाई, तीनों का मीनिंग क्या होता है? सुधारना। और इसका एंटो क्या होता है? लिव। लिव नहीं। आगे लिखा जाए, एक वर्ड है इनफ्लेट। मीन्स क्या होता है? हवा भरना। इनफ्लेट, हवा भरना। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? इंक्रीज। जब हवा भरेंगे तो जाहिर सी बात है कोई चीज क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, जब बढ़ेगा तो क्या होगा? वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा, एक्सपैंड करेगा। तो यहां देखिए ना, इन्फ्लेट, इंक्रीज और एक्सपैंड, तीनों का मीनिंग क्या होता है? हवा भरना। एग्जाम में पूछेगा कि इन्फ्लेट का सिनोनिम्स क्या होता है, है ना, कोई भी रहेगा टिक मार देंगे, चाहे वो इंक्रीज हो या एक्सपैंड हो। ठीक है, और इसका एंटो क्या होता है? देखा जाए, डिफ्लेट। ठीक है, डिफ्लेट। आगे देखा जाए, अगला एट में है अब देखिए, डिफ्लेट बोले तो हवा निकालना। एक मिनट, इन्फ्लेट बोले तो हवा भरना और डिफ्लेट बोलेंगे तो हवा निकालना। तो इसका सिनोनिम्स देखा जाए, जब हवा निकलेगा तो क्या होता है? एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। देखिए ट्यूब में हवा भराता है तो क्या होता है? खाली होता है, एम्प्टी हो जाता है। और रिड्यूस बोले तो कम करना, तो कम करना मतलब क्या? हवा निकालना। ठीक है, और जब देखते होंगे आप लोग कभी साइकिल चलाए होंगे, क्या होता है? टायर पंक्चर हो जाता है। पंक्चर में हवा रहता है कि निकला रहता है? निकला हुआ रहता है नहीं। तो एक मिनट, डिफ्लेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्प्टी, रिड्यूस और पंक्चर। और एंटो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट मींस हवा भरना नहीं। आगे लिखा जाए, नाइन है इंडस्ट्रियस। मींस क्या होता है? मेहनती। अभी तक हम लोग मेहनती का इंग्लिश एक ही जानते हैं, लेबोरियस बोलेंगे, यू आर लेबोरियस, इतना ही मालूम है। लेकिन नहीं, इसका डिलिजेंट भी होता है, हार्ड वर्किंग भी होता है और इंडस्ट्रियस भी होता है। आपके सामने इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डिलिजेंट और हार्ड वर्किंग, चारों का मीनिंग क्या होता है? मेहनती। आपको जो मन करता है इसे बोल सकते हैं, यू आर इंडस्ट्रियस मतलब क्या? तुम क्या हो? मेहनती हो, है ना। लेबोरियस तो मालूम है, यू आर डिलिजेंट
है ना, यू आर हार्ड वर्किंग, नहीं इसका एंटो क्या हो जाएगा, लेजी। ठीक है, आगे देखा जाए, ओप्रेस, ऑप्रेस बोले तो सताना, ऑप्रेस बोले तो सताना, तो ट्रीट सिनोनिम्स, और टॉर्मेंट, टॉर्मेंट है ना सताना, इसका एंटो क्या होता है, इनकरेज, इनकरेज करना, नहीं। तो देखा जाए ये वर्ड याद कैसे करना, आपको कॉपी में लिख कर और इसको बोलना है। ठीक है, पहले ये लाइन बोलेंगे बढ़िया से, है ना, फिर अगला बोलेंगे, तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, फिर उसको बोल के देखेंगे, अब्रप्ट का, सडन, अनएक्सपेक्टेड, है ना, फिर उसको बोलेंगे, फिर उसको लिखेंगे, और ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और ये एक दिन में थोड़ी आता है, जैसे एक लेसन आप आज याद कर लिए तो आपको ये थोड़ी होगा कि पूरा वर्ड मीनिंग एक ही दिन में याद हो जाएगा, ऐसा डेली करना पड़ेगा आपको। डेली बोले तो जब वर्ड पढ़ाएंगे तब, है ना, आप देखिएगा छह महीना में आपका आपके पास वर्ड का पावर हो जाएगा, वर्ड पावर बहुत सारा हो जाएगा। अभी क्या है, इंटर पास करके इंटर पढ़ रहे हैं, है ना, वर्ड मीनिंग याद नहीं करते हैं, घर में डिक्शनरी है लेकिन याद ही नहीं करते हैं। अभी डेली आप मन से बताइएगा, दिल से बताइएगा, क्या एक वर्ड मीनिंग भी आप याद करते हैं भर दिन में, एक वर्ड मीनिंग भी नहीं याद करते होंगे, ये मेरा चैलेंज आपसे, नहीं याद करते होंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए ये 10 वर्ड है और सबका सिनोनिम्स इतना, किसी में दो है, किसी में तीन है, और फिर एंटो है, तो कम से कम 40 वर्ड होगा, और 40 वर्ड एक क्लास में हम पढ़ा दिए हैं, इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन में याद हो जाएगा, चलिए दो दिन में याद हो जाएगा, 40 वर्ड आएगा, और सब एक पर एक वर्ड है, कोई न्यूज़ का वर्ड है, कोई कुछ का वर्ड है। ठीक है, ये सब याद करेंगे और लिखेंगे, और कमेंट में जवाब जरूर देखें कि कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जय हो, जय हिंद।